तो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है और एक नए होटल रेनोवेटर के एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम और एक नया होटल का रूम रेनोवेट करने वाले और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम करने वाले, तो वो सब कुछ हम देखते। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते। तो यहाँ पर अभी हमें बता रहा है कि गो टू द बेसमेंट। ओके, बेसमेंट कहाँ पर है अभी मेरे को देखना पड़ेगा। ये तो हमारा लिफ्ट हो गया ऊपर जाने के लिए। ये कहाँ पर है? ये बंद है शायद। यहाँ पर कोई रास्ता है क्या? नहीं, यहाँ पर शायद से रास्ता है। ओके, तो यहाँ से हमें बेसमेंट के लिए कहाँ पर रास्ता मिल? ओके, यहाँ पर मिल गया भाई, मैं सही से आ गया। ओके, तो बेसमेंट में आ चुके हम। ग्रैंडपा मेंटो, एम्प्टी चेस्ट, फाइंड स्पेशल आइटम। फाइंड स्पेशल आइटम, ओल्ड पेंटिंग। ओके, यहाँ पर ही नहीं थे। कोई तो हमें स्पेशल आइटम सर्च करना है। तो ये तो लॉक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की। भाई यार, मैं डर गया ना तेरे को देख के। तू यहाँ कहाँ पर आ रहा है? ये शायद से हमारा मैनेजर है क्या होटल का? जा कहाँ पर रहा है तू? ये बहुत ही डरा रहा है मेरे को। तो हमें जो स्पेशल आइटम है वो ढूंढना है। तो रुको, यहाँ पर ही होगा स्पेशल आइटम। ओके, तो इंटरेक्ट, ये क्या था? ओके, तो भाई तू कहाँ पर आ रहा है यार? मेरे क्यों डर रहा है? तेरी आंखें, रुक आंखें तेरी देखता हूँ। रुक 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 रुक। अरे, इसके आंखें भी बहुत ही बड़ी डरावनी देख। तो स्पेशल आइटम जो था ना वो मिल चुका है हमें। तो वो स्पेशल आइटम क्या था यार? यहाँ पर नहीं, स्पेशल आइटम कुछ तो था, तो वो हमें मिल चुका है। एम्प्टी चेस्ट, एम्प्टी चेस्ट कहाँ पर है देखना है। चेस्ट, एम्प्टी चेस्ट यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा अभी मेरे को? ये क्या है? अलार्म है ये? कुछ तो ट्रैश ही है सब कुछ। इसको चेस्ट ही बोलेंगे क्या? ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सबको तोड़ देता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। इसको मैं खाली कर लेता हूँ पहले, तो मतलब तोड़ के सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय वगैरह करता हूँ यहाँ पर सब कुछ, और देखते फिर यहाँ पर। ये सब कुछ तो ट्रैश ही बता रहा है, तो कुछ काम का नहीं क्या? ओके भाई, तू इसके अंदर कहाँ पर बैठ रहा है? कर क्या रहा है भाई तू? इसके यहाँ पर यहाँ पैक करना था भाई। होटल रेनोवेटर ही गेम है ना ये। Well, great. We killed two birds with one stone. While our strange guest sleeps in the chest, our new customer can stay in the room 103. We doubled our income. और इसको क्या ऐसे रखना है क्या मेरे को? भाई ये गेम डरावनी बनती जा रही है यार। इस डोर को मैं क्लोज कर लेता हूँ, बाद में देखते भाई ये क्या मामला था। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में देखते। मेरे को पहले तो रुको रुको, मेरे को ऊपर जाना है। ऊपर जो एक नया कस्टमर आया उसको हैंडल करना है मेरे को पहले। तो हम पहुंच चुके हैं क्या? ओके, पहुंच चुके हैं हम। वन जी यार, ये कैसे? नहीं, अभी क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। ये भूतिया होटल है क्या? क्या 103 में कस्टमर आया कुछ तो? कहाँ पर गया कस्टमर? मैडम जी, मैडम ही थे ना? भाग गए क्या? क्या क्या वो भी जाकर चेस्ट में छुप गए? ओके, तो यहाँ पर हमें कोई तो बात बता रहा है कि टोटल डिस्ट्रैक्शन, ऐड माइक्रोफोन स्टैंड, ऐड इलेक्ट्रिक गिटार, ऐड स्टूडियो लैम्प्स। लॉबी में ये रही मैडम। चलो मैं भी नीचे जाता हूँ और लॉबी में कुछ तो ऐड करना है, वो सब कुछ चेक कर लेते भाई। यार ये कहाँ पर गायब हो गई यार? ये होटल रेनोवेटर की गेम है या फिर कोई भूतिया गेम है? तो अभी हम आ चुके हैं हमारी लॉबी में। लॉबी में हमें क्या करना है कि टोटल डिस्ट्रैक्शन,
ऐड माइक्रोफोन स्टैंड, ऐड इलेक्ट्रिक गिटार, ऐड स्टूडियो लैम्प्स, ऐड वीडियो कैमरास। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ सब कुछ ये सामान ऐड करना है, तो देखते हैं हमारे पास सामान है क्या पहले देखते हैं। यहाँ पर कोई तो है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं, ये तो ट्राइपॉड कैमरा है, तो यहाँ पर हमें ट्राइपॉड कैमरा नहीं चाहिए। वॉल माउंटिंग, बिग टीवी, ट्रबल स्पीकर, स्पीकर, ओके ओके, तो इसमें तो नहीं है। पार्टी के लिए इसमें कुछ है क्या? नहीं यार, इसमें भी कुछ भी नहीं। पार्टी के लिए सब कुछ नंबर्स वगैरह, तो यहाँ पर आगे चेक कर दे, यहाँ पर स्टिकर है। स्पेशल में क्या है? ओके, तो स्टूडियो लैम्प हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो स्टूडियो लैम्प दो लगाने हैं हमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको रोटेट कर सकता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं इसको हमारे जो ये टेबल है ना, इसकी तरफ मैं मुड़ के करता हूँ, शायद से हमें यहाँ पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो। ओके, तो दो स्टूडियो लैम्प्स तो हो चुके, तो यहाँ पर अभी हमें इलेक्ट्रिक गिटार, ओके इलेक्ट्रिक गिटार हमें चाहिए थी। इलेक्ट्रिक गिटार को थोड़ा मैं यहाँ पर रोटेट करके रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक गिटार हो गई, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कैमरास। ओके, कैमरा भी चाहिए था ना, तो कैमरा एंगल में यहाँ पर लेता हूँ। ओके भाई, यहाँ पर कैमरा इस तरह सेट करते हैं, और यहाँ पर चाहिए मेरा और एक वीडियो कैमरा चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस साइड से भी ले लेते भाई, हमें वहाँ पर टेढ़ा करके रखना है यार। रुको, यहाँ पर लगाते हैं तो। और हमें माइक्रोफोन स्टैंड चाहिए था, माइक्रोफोन स्टैंड जो है एक ही लगाना है हमें, तो यहाँ पर इस गिटार के बाजू में रख देते हैं। इसको रोटेट कर सकते क्या? तो ये हमारी तरफ मोटर, ओके इसको यहाँ पर ऐसे रख देते। ओके, तो ये तो हो चुका है अभी यहाँ का। ओ भाई, यहाँ पर पार्टी होने वाली, क्या शायद से हमारा होटल का प्रमोशन चल रहा है, शायद से ऐसा लग रहा है मेरे को। देखते भाई, लाइट्स वगैरह तो चालू कर लो। अभी ये क्या निकाला मैंने, इसको अंदर रख देता हूँ। अरे बेच दिया, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको उठा लिया। ओके, गिटार वगैरह ये बजाते बैठ रहे, कैमरा रिकॉर्डिंग तो हमें हमारे कहाँ पर नहीं। टोटल डिस्ट्रैक्शन, तो ये सब कुछ हमें क्लीन करना है, और यहाँ पर सब कुछ नया लगाना है, यानी कि हमें अभी यहाँ पर जो होटल का रूम हम रिनोवेट कर रहे थे, तो अभी अभी हमारा जो होटल का जो ग्राउंड फ्लोर है, लॉबी है, उसको रिनोवेट करना है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और फिर से नए से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ नया नया लगा देंगे हम, तो पहले तो देख लेते भाई, यहाँ पर एक ग्रुप सोफा सेट यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर एक लगाना है। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि फोर फैमिली यहाँ पर बैठनी चाहिए, यहाँ पर एक फैमिली, यहाँ पर एक फैमिली, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इसके हिसाब से हमें सोफा सेट लगाना है, और वो भी नए नए क्वालिटी के लगाने। यहाँ पर कोई बैठने के लिए, यहाँ पर वेटिंग रूम, यहाँ पर वेटिंग रूम लगाना है, यहाँ पर लॉबी स्टैंड भी लगाना है, ये मेरे को ध्यान रखना है। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे हम यहाँ पर, ये डिस्ट्रॉय करके सब कुछ मिलता है, तो यहाँ पर मैं फ्लोर भी चेंज करने वाला हूँ, तो फ्लोर भी इसी तरह रखने वाला हूँ मैं, तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हूँ, फिर मिलते हैं आपको सब कुछ मतलब नए बैठाने के टाइम पर। अरे यार, मैं तो डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये कहाँ पर यार, ये बॉम्ब कहाँ से लाई, हमारे होटल को उड़ाना दे यार ओ कि भाई, इसने तो सारा का सारा फ्लोर डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बहुत ही बढ़िया बात हो गई यार। हमें अभी क्लीनिंग करनी है बस यार। मैं मतलब कि डर रहा था कि इतने सारा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मेरे को बहुत टाइम लगने वाला था। ओके, यहाँ पर हमें एक मिल चुका है। ओके, तो इससे हमें $2,000, ओके $2,000 मिल चुके हैं भाई। हमें क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करने के बाद हमें यहाँ पर सब कुछ रेनोवेट करना है हमें, तो ये भी सब कुछ चेक करेंगे भाई साहब। यहाँ पर थोड़ी क्लीनिंग करनी बाकी है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बची है, ये भी कर लेते क्लीनिंग।
ओके क्लीनिंग हो चुकी है ना, 83% क्लीनिंग हो तो हो चुकी है। यहाँ पर बची है क्या? ओके यहाँ पर सब कुछ क्लीनिंग हो चुका है, तो अभी हमें सब कुछ ग्राउंड फ्लोर वगैरह सब कुछ लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ क्या? रुको, इसको डिस्ट्रॉय, इसको रिपेयर करना है कि बाद में देखते हैं इसको रिपेयर करना। अभी तो मैं फ्लोर लगाने वाला हूँ, फ्लोर। ओके फ्लोर मेरे को कौन सा चाहिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, जो पहले था ना बेसिकली मतलब कि यहाँ से लेकर वहाँ तक एक फ्लोर, मतलब एक नया जो मतलब अलग से एक रखूँगा यहाँ पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बीच का पट्टा है ना, इसको भी एक अलग थीम दे देंगे, मतलब कि रास्ते जैसा करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ भाई, तो आपको समझ में आएगा। पर कोई वैरायटी वगैरह अच्छी चाहिए यार, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर बहुत ही बढ़िया दिखना चाहिए। तो ये मैं बाजू में लगाने वाला हूँ, बाजू में ये लगा सकता हूँ ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा क्या? रुको यार, सिरेमिक टाइल से अदर कुछ नहीं चाहिए। ये ग्रास थोड़ी बढ़िया लग रही है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ पहले तो। यार वहाँ पर कहाँ पर लगा दी मैंने, इतनी जगह पर लगा दी। बढ़िया नहीं लग रही, तो घर में पहले तो ये बाहर का जो मैं सिरेमिक्स ढूंढ रहा था ना, इसको मैं लगा के देखता हूँ पहले। तो मैंने कहाँ से सेट किया था? ओके यहाँ से सेट किया था, तो इस जगह में ये फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ तो है, इससे मैं यहाँ पर मेरे को करने को आ रहा है, लेकिन देखते रुको। फ्लोर का ये रहा, अदर में ओके ग्रास है यहाँ से यहाँ। ओके तो वो नहीं बैठा शायद, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक बीच तक आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने बीच वाला पार्ट तो लगा दिया, एक बार ट्राई करूँ या नहीं। ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये जो फ्लोर है ना ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रास का शायद से अच्छा नहीं लग रहा। एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले तो ये फ्लोर सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ, बाद में जो हमारा वॉल पर है वॉल पर भी पेंटिंग कर लेते, बाद में इसका डिसाइड करेंगे ग्रास रखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे अभी सच में तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते भाई बाद में देखते। वुडन फ्लोरिंग नहीं, सिरेमिक। ओके सिरेमिक पहले तो लगा देते, तो सिरेमिक मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये पॉइंट मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये ग्लो कर रहा है। और अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं जज नहीं कर सकता सही से, क्योंकि ये सिरेमिक तो ग्लो कर रहा है, लेकिन ये जो ग्रास है ग्रास का थोड़ा मतलब जजमेंट करना अच्छा नहीं, ये थोड़ा जज थोड़ा कम रहा है, तो देखते हैं बाद में देखते हैं भाई। ओके तो ये थोड़ा कंप्लीट कर दिया है मैंने, थोड़ा बहुत कंप्लीट किया है। मेरे को और एक चीज़ करनी थी, यहाँ पर मैं सही से आया है कि नहीं। ओके तो ये एक फ्लोर बीच में आ चुका है, मैं यहाँ पर भी ये लगाने वाला हूँ, ग्रास का लगाने वाला हूँ, तो पहले तो मैं इसको हटा लेता हूँ। यार मेरे को अभी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये रहा, यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर कैंसिल करने, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ मैं। ओके
ओ यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है, तो मैं ग्रास बिछा देता हूँ भाई, ग्रास का हम फाइनल करेंगे, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा जजमेंट मिल जाएगी। रुको यार, क्लीनिंग करना भूल गया मैं, क्लीनिंग पहले तो कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर फ्लोर का तो काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर भी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर भी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर अंदर रह चुका है भाई साहब। हमारे जो होटल की है ना, वो यहाँ पर लाइट चली गई है, तो यहाँ पर हमें टॉर्च हाथ में लेके काम करना पड़ रहा है। हाँ, इसको भी कंप्लीट कर लेते भाई, इसको भी यहाँ पर ग्रास लगाना चाहिए था, लेकिन देखते बाद में देखते। ओके, तो यहाँ पर कोई तो कूड़ा है, स्क्रैप इसको। अरे बाप रे यार, इसको मैं कैसे हटाऊंगा? ओके, तो अभी मेरे को फिर से फ्लोर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हो चुका है सब कुछ यार, बहुत अंधेरा हो चुका है अभी यहाँ पर। यहाँ पर यार बढ़िया लग रहा है यार, यहाँ पर साउंड अलग आ रहा है और यहाँ पर ग्रास पर साउंड अलग आ रहा है, तो ये तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी हम क्या करना है, रुको, यहाँ पर मेरे को कोई तो ऑप्शन दिखा रहा है, शायद से मेरे को यहाँ पर अंदर जाना है क्या? भाई साहब, हमने जो आदमी को रखा था उसको जाके मैं देख के आता हूँ। यार मेरे को ये इसके अंदर आना डरावना लग रहा है यार, ये ओपन ही नहीं हो रहा अभी यार, क्या लपड़ा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो पा ओके यार, पावर चली गई थी, इसको हमें ऑन करना था यार, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पावर बार बार चली जाएगी, तो यहाँ पर जाकर हमें पावर फिर से ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो यार मैं बैठता रहता अभी पावर कब आएगी करके। तो यहाँ पर हम ऊपर का डेकोरेट करते, मतलब कि ऊपर का वॉल को पेंटिंग कर लेते। वॉल के लिए कौन सा पेंट करें यार, वॉल के लिए कौन सा करें? ये थोड़ा लग्जरी दिखना चाहिए, तो वुडन का तो मैं नहीं लगा सकता ना, वुडन नहीं, ब्रिक्स ब्रिक्स वगैरह है क्या? पेंट है, वॉल कवरिंग ये नहीं, वुडन का है ना, सिरेमिक सिरेमिक में नहीं है कुछ अच्छा। ये डिज़ाइन है ना, इसमें कोई डिज़ाइन है क्या बढ़िया? वॉल ग्राफिक्स लगा सकता हूँ, वॉल ग्राफिक्स भी यहाँ पर लगा सकता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये वॉल ग्राफिक्स लगा लेता हूँ, ये थोड़ा बढ़िया लगेगा, ये ग्रास से भी मैच हो जाएगा ये थीम, तो ये थीम मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे थीम है, वो चेक करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। पहले तो मैं वो जो लगाई हुई थीम है ना, वो उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यार, ये बहुत ही घटिया लग रही है यार। अभी तो 7% काम हो चुका है वॉल का, अभी हमें वॉल को भी पूरा पेंट करना है यार। वॉल ग्राफिक्स और कोई बढ़िया है क्या, देखता हूँ मैं। यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लगा दूँ क्या? ये पूरा एक वॉल क्लियर चाहिए, वहाँ पर ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या? ये नहीं, ये लगा देता हूँ, जो हमने रूम में ट्राई किया था ना, वही सब कुछ यहाँ पर हम लगा रहे हैं यार, ये थोड़ा बढ़िया दिखता है क्या, देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हो चुका है क्लियर, तो इसको थोड़ा बढ़िया दिखता है क्या, देखते हैं। पर क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा पुराना सा रख देता हूँ। ये जो है ना, ये थोड़ा बढ़िया लगता है मेरे को, तो ये मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर लाइट चली गई यार, लाइट होती तो थोड़ा, नहीं यार ये बाहर का, बाहर शाम हो चुके तो इसकी वजह से ये दिख रहा है। ये मेरे को थीम अच्छी लग रही है यार, ये मैं सब जगह लगाने वाला हूँ, जहाँ पर वॉलपेपर लगा सकता हूँ ना, वहाँ पर वॉलपेपर लगा दूंगा, और ये थीम सब जगह लगा दूंगा मैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते भाई, यहाँ पर मैं एक वॉलपेपर लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर रुको, मैं ये तो सब जगह लगा सकता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर मैं लगाता हूँ पहले तो। ये रहा यहाँ पर, ये ऊपर तक नहीं जाएगा मेरा,
ये मेरी पेंसिल ऊपर तक नहीं जाएगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। Many hours later. और भाई साहब ये थोड़ा बढ़िया सा लुक लग रहा है, मतलब प्रीमियम लुक तो लग रहा है ये मेरे को। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर मैं वॉलपेपर लगाने वाला था, तो यहाँ पर मैं आधा अधूरा तो वॉलपेपर नहीं लगा सकता। रुको देखते हैं भाई, यहाँ पर कहाँ पर गया वॉलपेपर ग्राफिक्स, यहाँ पर कोई और लगा सकता हूँ क्या मैं? ये रह गया, ये इसको मैं ना रुको, ये जो है ना इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और बाद में जो नए कुछ है ना वो सब कुछ ट्राई करने वाले हैं हम इस वीडियो इस वाली एपिसोड में, सब कुछ ट्राई करेंगे भाई। ये थोड़ा अच्छा देखना चाहिए, और ये वाला जो मैं सिलेक्ट कर रहा था ना ये मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, यहाँ पर और उस साइड में आधा आधा लगाने वाला हूँ, तो देखते कैसा लगता है ये लुक। ये हो गया यहाँ पर और यहाँ पर आधा हो गया। ओके तो यहाँ पर ये थोड़ा बढ़िया लुक दिख रहा है, ये यहाँ पर और यहाँ पर भी यह हो गया, और ये भी बढ़िया लुक दे रहा है। अभी मेरे को जो मैंने ये वाला वॉलपेपर लगाया ना वो सब कुछ यहाँ पर जो खाली जगह बची है ना यहाँ पर लगाने हैं, वो कहाँ पर गया? ओके ये रहा, तो इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर। ओके Many hours later. ये हो गया हमारा पूरा पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर अभी कुछ बचा है क्या? ऊपर का फ्लोर थोड़ा बचा है, 99% तो कंप्लीट बता रहा है, लेकिन 1% कहाँ पर रह गया? ओके यहाँ पर रह गया, और को जो 1% रह गया ना उसको भी क्लियर कर लेते हैं, कहाँ पर गया? ये रहा थे। ओके तो यहाँ पर अभी पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। ओके 100% यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ऊपर का अभी कंप्लीट करना बाकी है। ऊपर के लिए नीले आसमान की जैसा कुछ हो तो अच्छा लगेगा यार, देखते हैं। रुको तो यहाँ पर हमारा फ्लोर का और वॉल का तो काम क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर कोई इवेंट आया, वन द गेस्ट लॉस्ट हैज वॉलेट एंड ही नीड्स सम हेल्प सर्चिंग फॉर इट सम मनी फॉर स्टिक। ओके तो किसी कस्टमर का यहाँ पर वॉलेट खो गया, तो वो हमें ढूंढ के उसको यहाँ पर कैसे मतलब? ओके ये रहा वॉलेट उसका, तो अभी इसको मेरे क्या करना है, कीप इट करके मैं क्या करूँगा भाई, तू ही रख ले जिसका भी है। गुड जॉब फाइंडिंग द वॉलेट, व्हाट शैल वी डू विथ इट नाउ? रिटर्न इट? रिटर्न ही करें ना भाई। ओके तो हमें $300 उनके वॉलेट उनको ढूंढने का मिला है, बहुत ही बढ़िया यार, इतने तो मिले। यू फाउंड इट ग्रेट, ओके थैंक यू मैक्स हमें अप्रिशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग अलग थीम रखा है, तो ये सब कुछ तो हो चुका है। अभी इसका ऊपर का फ्लोर मतलब ऊपर का जो सीलिंग का है ना वो यहाँ पर पेंट करना बाकी है, इधर का बाकी है। ये झूमर मैं तोड़ सकता हूँ क्या? डिस्ट्रॉय वॉल नो, कोई नहीं यार इसको नहीं तोड़ने का। अभी मेरे को ऊपर का ये जो वॉल है ना इसको मेरे को थोड़ा कलर करना है, उसके बाद ये ऊपर का ये सीलिंग उसको चेक करेंगे। ऊपर जाते पहले तो फर्स्ट फ्लोर। ओके तो चलो जल्दी जाते हो ऊपर, रेनोवेट द लॉबी। ओके अभी हम रेनोवेट तो ही कर रहे हैं ना। काउंटर वन, काउंटर वन पर कुछ तो आया, रुको तो बाद में चेक कर लेते, पहले तो ये वॉल को मैं पेंट कर लेता हूँ। ओके ये ही रहा। अरे यार यहाँ पर मैं पेंट नहीं कर सकता शायद से, क्या हो रहा है यार? यहाँ पर मैं कर सकता हूँ लेकिन रुको यार, वो जो मेरा टास्क है ना वो मुझे शायद से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं चला जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, बाद में जाकर देखते हो ऊपर का जो सीलिंग का है ना मतलब वॉल है ना वो बाद में जाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ तो यार, किसका किसका यार ये वॉलेट यहाँ पर खो रहा है, दे देना भाई इसको वॉलेट, अभी भी इधर है। चल क्या रहा है भाई, रिटर्न इट, रिटर्न कर ले भाई हमें जरूरत नहीं, रिटर्न इट। यार ये लाइट फिर से गई, अभी मेरे को जाकर बेसमेंट में जाकर लाइट ऑन करनी पड़ेगी। फिर से यहाँ पर ही था ना, अभी क्या सच में लाइट की चली गई क्या? ओके तो यहाँ पर सच में लाइट चली गई यार,
पिछली बार कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर पूरा मतलब कि उसको स्टार्ट कर दिया था, लाइट को ऑन कर दिया था वहाँ से, लेकिन अभी शायद से लाइट आ गई, लाइट आएगी। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन यहाँ पर लगाने। तो सोफा सेट जो पहले लगाया था वही लगाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर सोफा सेट वगैरह चेक करते, फर्नीचर स्पेशल में नहीं है। यहाँ पर अभी पार्टी वगैरह नहीं चाहिए यार। सोफा सेट कहाँ पर है? ये बेड से, ये कैबिनेट से, कैबिनेट्स कुछ ज़रूरत नहीं। सोफा सेट, ओके, सोफा यहाँ पर है। तो इसमें कुछ एक बड़ा सा चाहिए मेरे को सोफा सेट, यहाँ पर रख देते हैं इसको, लेकिन एक अच्छा दिखना चाहिए यार। ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, शायद से मैं यहाँ पर ये लगा दूँ तो चलेगा क्या? रुको देखते हैं भाई। ये भी बढ़िया है यार, ये मेरे को थोड़ा सोफा सेट बढ़िया लगता है। नहीं यार ये बड़ा हो ही चाहिए उसको, बड़ा होगा तो अच्छा है दिखेगा। इसमें कलर नहीं है क्या भाई? कलर थोड़ा मतलब अच्छे क्वालिटी का होता तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ये सारे लॉक है, तो इसमें से कोई तो चूज़ कर लेते। तो यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ, और ये इसको रोटेट करके मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ, और यहाँ पर चेयर लगा लेते, चेयर। ये रही आर्म चेयर, इसमें भी जो तो ये चेयर लगा दूँ क्या? ये वुडन के लिए मैच हो रही है थोड़ी बहुत, तो ये दो लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर। यहाँ पर बीच में एक टेबल रखेंगे, कॉफ़ी टेबल, ये कॉफ़ी टेबल रख देते। बड़ा सा चाहिए थोड़ा, एक बड़ा और एट्रैक्टिव दिखना चाहिए भाई, अच्छा कूल सा लगना चाहिए। कौन सा अच्छा लग रहा है यार? ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ पर लगा देते, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी। यहाँ पर भी चेंज कर लेते, यहाँ पर भी लगा देता हूँ और यहाँ पर भी लगा देता हूँ। उसके बाद में जो सारे सोफा सेट ना वो सब कुछ लगा देता हूँ, और उसके बाद हम मिलते। Many hours later. ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं सोफा सेट वगैरह लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई तो इवेंट आया है और रिसीव्ड अनयूजुअल कंप्लेंट्स। इफ़ आई अंडरस्टैंड करंटली समथिंग इज़ ब्रोकन इन वन ऑफ द रूम्स, वन ऑफ द रूम्स, प्लीज़ चेक आउट। यार किसने तो कुछ तो ब्रोक किया है यार, मेरे को अभी जाकर देखना पड़ेगा। रुको मैं एक बार ये सोफा सेट लगा देता हूँ यहाँ पर, और फिर चला जाता हूँ मैं। ये सोफा सेट तो बढ़िया लग रहा है मेरे को, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। यार इस चेयर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसको मैं लगा के, यार ये अंदर नहीं जा सकता क्या? यार ये सही से नहीं बैठ रहा। इसको अभी मेरे को सेल करना पड़ेगा। तो दूसरा कुछ है क्या, चेक कर लेता हूँ भाई, थोड़ा बढ़िया है। ये ले लेता हूँ मैं, पहले तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पर ऐसे रोटेट करके इस तरफ रख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर रोटेट करके यहाँ से इस तरफ। चेयर इन दोनों के बीच रहनी चाहिए। एक चेयर मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक जन को बैठने के लिए। ये दोनों इसको मैं, कोई ये एक चेयर एक्स्ट्रा है ना, इसको बाद में देखते हैं। तो कंप्लेंट कोई तो आए तो उसके लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाते भाई, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं, तो ऊपर कोई तो कंप्लेंट आए, देखते भाई। बीच में एक हमारे लिए कंप्लेंट आई थी कि शोर कर रहा था कोई, तो यहाँ पर अभी कुछ तो तोड़ा है किसने। यार ये कुंबड़ी कहाँ से आई, कहाँ पर गई, कहाँ पर गई कुंबड़ी? यार कुंबड़ी कहाँ पर गई? पर भी नहीं कुंबड़ी। यार इसने तोड़ दिया ये, यार इसने कितना गंदा कर दिया।
ये कौन गंदा करके जा रहा है भाई यार, इसने सब कुछ, ये क्या हो गया? रुको यार, इसने सब कुछ गंदा कर दिया, अभी मेरे को ये सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एक क्लीन हो चुका है, इसको क्लीन, शायद से क्लीन नहीं होता तो अभी मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा शायद से। अरे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने तो नीचे का कारपेट उठा लिया, कोई इसको क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं? F2 रिप्लेस, ओके यार मेरे को रिप्लेस करना था। ओके तो रिप्लेस हो चुका है, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने थे इसको, इसके यहाँ पर ये गंदगी बची यार। ये बहुत ही अच्छा है यार, जब भी मैं झाड़ू निकालता हूँ ना तो ये सारे सामान ऊपर चल जाते हैं, ये देख सकते हो भाई। मेरे को लगा कि यार यहाँ पर एक मिल चुका है हमें, गोल्डन एक, ओके तो $300 मिल चुके हैं हमें। जब भी मैं ये क्लीनिंग का टूल इस्तेमाल करता हूँ ना तो ये बहुत ही बढ़िया है कि ये सब कुछ सामान ऊपर जाता है और फिर हमें क्लीनिंग करने को मिलता है। यहाँ पर मैं क्लीनिंग का टूल अंदर रख दिया तो ये सारे सामान आ जाए, बाद में करेंगे, पहले तो हमें लॉबी सब कुछ क्लियर करना है। लॉबी के अंदर जाते हैं, पहले तो लॉबी में जाते जाते हैं। ओके तो गाइस हम यहाँ पर लॉबी में पहुँच चुके, तो जो कंप्लेंट आई थी वो तो मैंने सॉर्ट आउट कर ली है, अब मेरे को टेबल वगैरह सब कुछ रखना है, ये तो पूरा काम कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सारा का सारा जो लॉबी रेनोवेट करने का काम था ना वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अभी बस मेरे को डेस्क रिपेयर करना है। तो मैं तो आपको पहले तो लॉबी घुमा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह लगा ली है, और इस साइड में थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह लगा दिया है, यहाँ पर भी लाइटिंग वगैरह रख दी, यहाँ पर कपाड़े, यहाँ पर लाइट है, और यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया है मैंने। यहाँ पर मेरे को ये तीनों स्टैचू बहुत ही बढ़िया लगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मिरर वगैरह लगा दिए, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है। ओ यार यहाँ पर मिरर थोड़ी अच्छी काम करी, मतलब कि ज़्यादा दिख रहा है यार। यहाँ पर भी थोड़े बहुत डेकोरेशन कर दिए मैंने, तो अभी हमें डेस्क रिपेयर करना है, तो डेस्क रिपेयर करते भाई। ओल्ड स्पेस टू परचेस, ओके भाई साहब डेस्क भी बहुत ही बढ़िया रिपेयर हो चुका है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया यार। हाँ एक मैं बात बता रहा था कि यहाँ पर मैंने जो ऊपर का सीलिंग है ना ये नहीं मैंने किया अभी तक, तो इसको तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ भाई। थोड़ा पेंट जो ब्लू था ब्लू ही करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, और ऊपर का भी बचा हुआ है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे पहले। और को यहाँ पर ब्लू पेंट करना है ना, तो सब कुछ ब्लू क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर।
ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा लॉबी रेनोवेट करने का काम था वो सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। बस ऊपर का ये सीलिंग और ये जो वॉलिन है वो नहीं हुई। शायद से हमें जब ऊपर का मैं फ्लोर रेनोवेट करूँगा ना उस टाइम ये मेरे को पेंट करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस एपिसोड को एंड करते हैं, और एपिसोड को एंड करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा बहुत टूर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से यहाँ पर आ जाएंगे, होटल में एंट्री करेंगे, बाद में यहाँ पर हम सब कुछ इंक्वायरी वगैरह करेंगे। ये डेस्क भी मैंने रिपेयर कर लिया है, यहाँ पर इंक्वायरी कर लेंगे। और यहाँ पर साउंड वगैरह बजने के लिए यहाँ पर मैंने दो स्पीकर वगैरह लगा दिए, और हमें कुछ सामान वगैरह यहाँ पर मतलब जो कैटलॉग वगैरह होगा या फिर बुक्स वगैरह होगी यहाँ से लेनी होगी तो ले सकते हैं। यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर हम टचअप वगैरह कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर भी बीच में एक मिरर मैंने लगवा दिए, वहाँ पर भी ये मिरर वगैरह है। तो यहाँ पर आकर हम बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट है हमारे होटल का, जो भी मतलब रूम का रेंट है, भाड़ा है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी हमें पार्टी वगैरह करनी रहेगी उसका सब कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर हम बैठ के कर सकते हैं। और यहाँ से हम जब ऊपर जाएंगे, जब तक हमारी रूम रेडी होगी, तो यहाँ पर वेटिंग एरिया भी मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो यहाँ पर भी हम वेट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर एक थोड़ा टेबल वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग एरिया में हम कोई तो एंजॉयमेंट या फिर मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ पर टेबल वगैरह होना चाहिए। तो ये भी हम लगवा लेंगे अगले वाले एपिसोड में। और मैंने ये जो प्लांट लगा दिए, ये आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये प्लांट मेरे को तो थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्लांट कैसे लग रहे, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये भी प्लांट। मुझे ये ऐसा ही प्लांट यहाँ पर लगा देना चाहिए था। तो यहाँ पर ये हमारा होटल का जो लॉबी रेनोवेट करने का काम था, तो ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, और एक नए रूम को रेनोवेट करने के साथ और एक नया कंसेप्ट लेके इस होटल रेनोवेटर में। तो चलो यहाँ पर ही इस एपिसोड को एंड करते हैं।